राम मंदिर तो सौभाग्य है हमारा कि ये गवर्नमेंट आ गई, हमें राम मंदिर मिल गया। अभी तो मथुरा भी तैयार होगा। अरे तीन जगह मांगी थी, दो मिल चुकी हैं, तीसरी की शुरुआत हो गई है। 100% मोदी जी ही आएंगे। सहमत तो आप देख सके, सहमत तो अभी जो चुनाव के नतीजे आए वो पूरी का पूरा 2024 का एक समीकरण आप देख सके कि कितने लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेमीफाइनल नहीं, सेमीफाइनल जी, कैसे जीते? अरे कैसे जीते, तीनों स्टेट में अपनी गवर्नमेंट आ गई और क्या चाहिए था हमें? मोदी ने काम नहीं, मोदी ने काम नहीं किया। हाँ विपक्ष के लिए नहीं किया, विपक्ष के लिए नहीं किया। अभी अंदर सारे डले नहीं ना, थोड़ा सा काम बाकी है अभी। जैसे बाकी के भी डल जाएंगे फिर कहेंगे नहीं काम तो ठीक चल रहा है। अभी थोड़े से ही अंदर गए हैं, बन रही हैं फाइलें, बन जाएंगी इस बार 24 में क्लियर हो जाएंगे। एक तरफ चलता है बुलडोजर? नहीं, एक तरफ नहीं चलता। जब गुंडागर्दी एक तरफ चलेगी तो फिर बुलडोजर भी उधर ही चलेगा। हाँ पहले हम लोगों को जलट उठाने पड़ते थे, अब जरूरत नहीं पड़ती। अब सब अकेला बाबा देख रहा है। राम राज है राज यूपी में, यही रामराज है, रोजगार है नहीं, रामराज है नहीं। कौन कहता है? हम पहले खेत में जाने लायक भी नहीं थे। हाँ रोजगार कांग्रेस देती थी। कौन देता था? कहाँ दे, कौन से छीन लिए ये रोजगार? राम की थी, राम का मंदिर ही बनेगा। अयोध्या राम की नगरी है ना, तो राम का ही मंदिर बनेगा वहाँ। ज्यादा फायदा हमारे यहाँ मुल्ला जी तो उठा रहे। अगर हमारे गांव में एक भी वैसे मोमडन परिवार नहीं है, लेकिन आसपास के कस्बों में जितने मोमडन परिवार हैं, किसी भी योजना में कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है उनको। अच्छा हमारे यहाँ रहते भी बड़ी मस्ती में आपस में, वो भी कह रहे हैं हम भी योगी के ही समर्थक। विकास दुबे एक तरफ का नहीं था, विकास दुबे बहुत बड़ी तोफ थी, हिंदू ही था, मरा ना। तो एक तरफ और आपका कुछ भी नहीं है, मजे आ रहे हैं। हम एक फुर्सत मिल गई, अब यूपी से निकल गए हम भी इंडिया गेट देखने आगे। नहीं तो सहारनपुर 200 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं होता, हमें नहीं फुर्सत नहीं आने की। कहाँ के रहने वाले हम? यूपी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश सहारनपुर। क्या शुभ नाम है भाई साहब? रितेंद्र चौधरी। चौधरी साहब क्या लग रहा है 2024 में, माहौल क्या लग रहा है? इसमें लगने जैसी कोई बात ही नहीं है, सिंगल। लोगों के पास ना कोई ऑप्शन है, ना लोगों को दूसरा ऑप्शन चाहिए। मोदी मीन्स मोदी, मोदी और मोदी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। विपक्ष कह रहा विकास, विपक्ष है कहाँ, कौन है विपक्ष? इंडिया गठबंधन। इंडिया गेट पे देखो मोदी जी ने क्या करा है, देखो ना सुभाष चंद्र जी की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, मोदी जी की तो देन है, कहाँ था विपक्ष? विपक्ष कहता है कि मोदी ने काम नहीं, मोदी ने काम नहीं किया। हाँ विपक्ष के लिए नहीं किया, विपक्ष के लिए नहीं किया। अभी अंदर सारे डले नहीं ना, थोड़ा सा काम बाकी है अभी। जैसे बाकी के भी डल जाएंगे फिर कहेंगे नहीं काम तो ठीक चल रहा है। अभी थोड़े से ही अंदर गए हैं, बन रही हैं फाइलें, बन जाएंगी इस बार 24 में क्लियर हो जाएगा सब। कह रहे हैं ये तो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। वो करते थे ना, ये इसकी नॉलेज उनको ज़्यादा है, वो करते थे, इनको जरूरत ही नहीं है। इन्होंने उनको फ्री छोड़ दिया कि जो आपका काम है आप वो काम करो, और वो काम कर रहे हैं तो बस ठीक है। विपक्ष तो विपक्ष ही बना रहेगा, हालांकि वो विपक्ष बनने लायक भी नहीं रहेगा। राम मंदिर की चर्चा कर देते हैं। राम मंदिर तो सौभाग्य है हमारा कि ये गवर्नमेंट आ गई, हमें राम मंदिर मिल गया। अभी तो मथुरा भी तैयार होगा। अरे तीन जगह मांगी थी, दो मिल चुकी हैं, तीसरी की शुरुआत हो गई है। हाँ क्या क्या मांगी थी? वाराणसी मांगी थी, आ जा एक बार चले जाओ, जो भी चला जाएगा मजा आ जाएगा उसको। उसके बाद क्या मांगा था? अयोध्या का राम मंदिर। हिंदुस्तानी होने के बावजूद हमारे यहाँ अयोध्या में राम मंदिर नहीं था, बन रहा है ना बढ़िया से। अभी मथुरा का केस डाल दिया है, काम चालू हो गया है, होना वो भी निश्चित है और होके रहेगा। कह रहे हैं रोजगार पे बात कर लीजिए, मंदिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर रोजगार देगा क्या? हाँ सारे के सारे पहले इंजीनियर बना रखे थे ना कांग्रेस ने, सारे इंजीनियर। सहमत है क्या? हाँ जी 100% 100% मोदी जी ही आएंगे। सहमत तो आप देख सके, सहमत तो अभी जो चुनाव के नतीजे आए वो पूरी का पूरा 2024 का एक समीकरण आप देख सके कि कितने लोग बहुत एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेमीफाइनल नहीं, सेमीफाइनल जी, कैसे जीते? अरे कैसे जीते, तीनों स्टेट में अपनी गवर्नमेंट आ गई और क्या चाहिए था हमें? कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से कराए होते तब समझ में आता, वो करते थे ना। अब अनपढ़ नहीं रहे लोग, अब उनको चाहिए, अब बैलेट पेपर नहीं चाहिए किसी को। अब तो पुराना जमाना तो है ही नहीं। अब
अब अगर ये जीत रहे हैं दो राज्यों में कैसे आई सरकार, और तीन में, अगर तीन में बीजेपी आई तो दो में और भी तो आई, तो लोग कैसे एक्सेप्ट कर रहे थे क्या आपने बीजेपी? तो बीजेपी तो ये तो राम एक किस्म का राम राज है रहा। अच्छा। इंडिया के अंदर राम राज बिल्कुल। अयोध्या राम की थी, राम का मंदिर ही बनेगा, अयोध्या राम की नगरी है ना। हाँ। तो राम का ही मंदिर बनेगा वहाँ। से निकलने की फुर्सत नहीं थी। हाँ। ठीक है। हाँ। योगी जी के आने से पहले। हाँ। खेत से नहीं निकलते थे। हाँ। पीछे टेंशन रहती थी, कोई ट्वेल ना पूरी की पूरी खोल के ले जाते थे। अच्छा। अब करके दिखाए ना कोई। हम यहाँ घूम रहे हैं आपके सामने दिल्ली में, बहुत बड़े जमींदार थोड़ी हैं हम, कह रहे हैं योगी 5-7 किले वाले आदमी हैं हम। हाँ। इनके पास मुश्किल से 10-12 किले हैं। हाँ। मेरे पास 7 ही किले हैं। हाँ। ये चलो हमारे गांव के सरपंच भी हैं, इनके पास हैं 28-30 किले। हाँ। ये हमारे जो बाबा जी हैं, कह रहे हैं योगी योगी तो हालत खराब कर दी है। किसकी? हाँ? किसकी कर दी है? बदमाशों की कर दी, माफियाओं को करी। हाँ, माफियाओं की करी। हाँ, माफियाओं करी। एक तरफ चलता है बुलडोजर, नहीं नहीं एक तरफ नहीं चलता। जब गुंडागर्दी एक तरफ चलेगी तो फिर बुलडोजर भी उधर ही चलेगा। हाँ, पहले हम लोगों को जलट उठाने पड़ते थे, अब जरूरत नहीं पड़ती। अब सब अकेला बाबा देख रहा है। योगी जी का राज यूपी में, राम राज है राज यूपी में, कह रहा यही राम राज है, रोजगार है नहीं, राम राज है नहीं, कौन कहता है? हम पहले खेत में जाने लायक भी नहीं थे। हाँ, रोजगार कांग्रेस देती थी, कौन देता था? कहाँ दे, कौन से छीन लिए ये रोजगार? आपने देखा मोदी जी का उद्देश्य जो था, सबका साथ सबका सबका विकास सबका विश्वास। हाँ। अभी वो विश्वास भी हो गया, आप देख रहे सब भाई हमें मुल्ला जी दूर खड़े हैं उधर, विश्वास ही नहीं दे रहे। हाँ जी, पूरा हो रहा है उन्हें तो पूरा है। आप पूछ लो सब सब मुल्ला जी उठा रहे, सबसे ज्यादा फायदा हमारे यहाँ मुल्ला जी तो उठा रहे। अगर हमारे गाँव में एक भी वैसे मोमडन परिवार नहीं है, लेकिन आस पास के कस्बों में जितने मोमडन परिवार है, किसी भी योजना में कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है उनको। अच्छा, हमारे यहाँ रहते भी बड़ी मस्ती में आपस में, वो भी कह रहे हैं हम भी योगी के ही समर्थक हैं। योगी मोदी नहीं, अरे योगी डर के मारे, क्या डर के मारे हो रहा? योगी डरता है? योगी डराता है, डराने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। माफियाओं ने डरावे, माफियाओं ने डरावे, आम आदमी ने कुछ नहीं कहता मोदी योगी। एक तरफ माफिया है, एक तरफ माफिया है, नहीं जिधर भी माफिया है उधर ही बुलडोजर चलेगा। 60% बदमाश हिंदू मरे हैं। विकास दुबे एक तरफ का नहीं था, विकास दुबे बहुत बड़ी तोफ थी, हिंदू ही था, मरा ना। तो एक तरफ और आपका कुछ भी नहीं है, मजे आ रहे हैं। हमें एक फुर्सत मिल गई अब यूपी से निकल के, हम भी इंडिया गेट देखने आ गए। नहीं तो सहारनपुर 200 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं होता, हमें नहीं फुर्सत नहीं आने की। अब आगे मतलब डर बना रहता था, डर पीछे ट्वेल खत्म, पशु चुरा लिए। हाँ, तो ये भय लगा रहता था कैसे घूमना आते हैं। आपको एक ताजा एग्जाम्पल दिखाऊं गांव का, अभी कुछ चोर उतर गए थे, ये देखो अभी आपके सामने तो नहीं किसी ने व्हाट्सएप डाला होगा, ये हमारे गांव का ग्रुप है, ये पकड़ दिए रात ही। अब अगर ये सारे एक ही धर्म विशेष से बिलोंग कर रहे होंगे तो इसमें किसी योगी की गलती थोड़ी है। ये देखो ये हमारे गांव में ही अम्बेटा कस्बा पड़ता है, वहाँ पे चोरी हुई 4-5 आतंक मिच गया भाई, योगी राज में चोरी हो रही है 3 दिन के अंदर। ये रे ये हमारे गांव का ग्रुप है, 5 आदमी अरेस्ट कर लिए, 50,000 का इनाम भी रखा था गवर्नमेंट ने कि अगर जनवरी तक पकड़ देंगे तो। तो फिर वही तो सेंध तो लगा रहे हैं ना। कौन सेंध लगा रहा है? चोर लोग अंदर गए ना, अंदर कह रहे पहले ज्यादा बदमाशी हो रही है। तो अंग्रेजी राज में भी नहीं रुका जी। हाँ। अंग्रेजी राज में भी नहीं रुकी चोरी तो, लेकिन ये तो एकदम अरेस्ट तो कर रहे, नहीं घूम सकते। हाँ।